तो गाइस ये है कोट्टीगिरी, ऊपर लिखा है, और ये बस जाएगी डोडा बेटा। अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, खाने पीने की, कपड़ों की, वैसे ही जैसे नीचे। ये है डोडा बेटा पीक, और ये टेलीस्कोप है जो आगे लगा हुआ। ये है डोडा बेटा पीक, थोड़ा ओके क्योंकि ये एक पॉइंट है जहाँ सबसे बेस्ट व्यू आ सकता है। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है डे 3 इन ऊटी, और आज मैं जा रहा हूँ डोडा बेटा नाम से एक प्लेस है, और बहुत हाई पीक है, 8047 बोलते हैं, उतनी हाइट पे है वो। तो गाइस, मैं आपको वहाँ पहुँच के वहाँ पे पहुँचने का तरीका भी बताता हूँ। यहाँ से मैंने आपको बताया कि मैं ऊटी के मेन सेंटर पे रुका हूँ, तो यहाँ से बस स्टॉप बहुत पास में है, तो वहाँ से एक बस जाती है कोट्टीगिरी के लिए, है ना, कोट्टीगिरी याद रखना, कोट्टीगिरी के लिए बस जाती है। वो बस अपने को पकड़नी है और वो सीधा डोडा बेटा आपको बीच पे ऊपर छोड़ेगी। वहाँ से नियर बाय है ये टोटा बेड़ा पीक, और टोटा बेड़ा जो बस स्टॉप है वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। तो ये एक वे है, और गाइस आज है डे 3, तो बहुत एक्साइटेड हूँ आज क्या क्या देखने को मिलता है। टी गार्डन भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, वो भी उसी पाथ पे है। तो लेट्स गो, आज क्या क्या हम डिस्कवर करते हैं। तो सुबह का कुछ ये माहौल है, लगभग अभी 11 बजे, 10:30, 11 ठंडक है, और अराउंड 17-18 डिग्री टेम्परेचर था। तो नाइस वेदर रहता है ऊटी का, तो गाइस तो उसकी तो कोई टेंशन नहीं है। तो मैं अभी बस स्टॉप की तरफ ही जा रहा हूँ, और मैं आपको बताता हूँ, आगे की अपडेट देता हूँ। तो सी यू गाइस। तो गाइस ये है कोट्टीगिरी, ऊपर लिखा है, और ये बस जाएगी डोडा बेटा। तो गाइस फाइनली मुझे बस मिल गई है, और ये जाएगी डोडा बेटा, और इसका फेयर था ओनली 5 रुपीज़ पर पर्सन। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जब भी आपको, अगर आप ऊटी के मेन सेंटर पे हो, बस वहाँ से आपको इजीली डोडा बेटा के लिए बस मिल जाएगी। मुझे मिल चुकी है, और अभी मैं थोड़ी देर में डोडा बेटा उतरूँगा, फिर मैं आपको डोडा बेटा पीक पे भी लेके चलूँगा, जो कि 8047 फीट ऊँचा है ग्राउंड लेवल से, और दूसरा टी गार्डन भी दिखाऊँगा। तो जस्ट बने रहिएगा इस आगे में, जैसे भी पहुँचता हूँ मैं आपको अपडेट देता हूँ। तो सी यू गाइस, बाय बाय। यह तो गाइज अभी मैं डोडा बेटा स्टॉप पे उतर गया हूँ, और अभी यहाँ से मैं जाऊँगा डोडा बेटा पीक के ऊपर। तो यहाँ पे ये छोटी छोटी ये जीप्स हैं, ये जो आपको पीक पे पहुँचाती हैं, तो उनका मैं आपको पहले से बता देता हूँ, 50 रुपीज़ चार्जेस है जाने का, और जब वापस आते हैं तो 20 रुपीज़ है रिटर्न का। तो अभी थोड़ी देर में जीप रेडी होगी तो हम जाएँगे, और आगे फिर नीचे आने के बाद में मैं आपको टी गार्डन भी दिखा के लाऊंगा। तो अभी हम डोडा बेटा पीक पे जा रहे हैं, और
ये कुछ हमारी जीप्स हैं, तो आप देख सकते हो। गाइज वेलकम बैक। और अभी मैं आपको कुछ मंकीज दिखा रहा हूँ जो कि ऊटी में थोड़ी सी शैतानी कर रहे हैं, तो मेरे को एक दिख रहे थे, मैंने कहा कि लेट मी कैप्चर दैम ब्यूटीफुल मंकी। और उसकी ऊँचाई में आपको एक मंकी नहीं दिख सकते, देख सकते कुछ आ रहा है, बहुत ब्यूटीफुल लगा। तो ये है गाइज मेरा बिट्टा, और मैं पहुँच चुका था। तो ये तमिलनाडु फायर डिपार्टमेंट के सामने है, बाकी रोड पर आपको चलते दिखा दो। तो गाइस ये है
डोड़ा बेटा हाई पीक ऑफ ऊटी, और ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो बहुत ज़्यादा पार्किंग का ये है थोड़ा, काफ़ी गाड़ियाँ वगैरह आती हैं। उसकी एंट्रेंस जो है वो मैं आपको दिखा, ऐसा कुछ उसका एंट्रेंस है। यहाँ पे सब तो मैं उसी रास्ते पे जा रहा हूँ, उसी के पॉइंट पे हूँ गाइस। और मैंने आपको दिखाया ये पीछे सब स्टॉल्स वगैरह लगी रहती हैं डोड़ा बेटा पे, अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, खाने पीने की, कपड़ों की, वैसे ही जैसे नीचे ऊटी में भी थी वैसे ही यहाँ पे भी स्टॉल्स हैं। तो चहल पहल रहती है मार्केट में, जो चहल पहल है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं ऑन द वे ही हूँ डोड़ा बेटा के उस पॉइंट पीक पे जाने के, तो उसका ये रास्ता है यहाँ से दिख रहा है। तो ये पीक पे कितनी ऊंचाई पे ये पीक चढ़ते जा रहे, टिकट इज देयर, ओके। सो गाइस टिकट है, इट विल बी लाइक 10 रुपीज, सो दैट इज फाइन। गाइस पहुंच चुका हूं मैं, ये है डोड़ा बेटा पीक, और ये टेलीस्कोप है जो वो आगे लगा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। गाइस ये कुछ ऐसा दिखता है टेलीस्कोप हाउस, तो ये यहाँ पे सबसे हाईएस्ट पीक है, यहाँ से आपको मैं दिखाता हूँ कितनी ऊंचाई पे है। ये देखो गाइस, यहाँ से पूरी ऊटी की वैलीज दिखती हैं, खूबसूरत वैलीज यहाँ से दिखती हैं। और यह है डोड़ा बेटा पीक, जानो नहीं जा रही। ये टेलीस्कोप हाउस है, अगर आप चाहो तो ऊपर एक टेलीस्कोप लगा हुआ है जो कि अंदर जाके दिखाते हैं, ऊपर जाके आप इसको कैप्चर कर सकते हो। ये इसके अंदर का एरिया है, यहाँ से सीढ़ियाँ जाती है ऊपर टेलीस्कोप तक, अगर आप देखना चाहो तो। ये आप यहाँ से देखिए माउंटेन्स राइज, वो क्लाउड्स वगैरह दिख रहे हैं आपको, बस
मैं नहीं निकलूंगी। हेलो, यू केम हियर आल्सो? सो गाइस, ये है डोडा बेटा पीक का सबसे हाईएस्ट पीक, और आपको दिख रहा होगा। शुक्र क्लाउड्स दिख रहे हैं गाइस आपको, वाइट पहाड़ों के बीच में। तो बोला जाता है इसको ये 8047 फीट ऊपर है ग्राउंड लेवल से, तो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है ये। और टूरिस्ट तो आप देख ही रहे हो कितने सारे हैं, इतना हाइट पे होने के बावजूद भी इतने टूरिस्ट हैं यहाँ। तो ये इसका कुछ अट्रैक्शंस हैं। तो गाइस ये था, इतनी हाइट पे आने के बाद में जो अब इससे ज़्यादा कहाँ ऊंचा जा सकते हैं, और इससे ज़्यादा कहाँ ऊंचा जा सकते हैं। 8000 फीट के ऊपर हम खड़े हैं और पूरा ऊटी यहाँ से दिख रहा है गाइस, ये पूरा पॉइंट दिल्ली में। यहाँ तक कि मुझे ऐसा लग रहा है हम बादलों के बराबर हैं, या बादलों से भी थोड़ा बहुत ऊंचे हैं ऐसा मुझे लग रहा है। ब्यूटीफुल सीरीन, ठंडी हवा चल रही है। अभी टेम्परेचर होगा यहाँ पे लगभग 19 डिग्री 18 डिग्री टेम्परेचर है, तो ठंडी हवा चल रही है और ठंडी चलती है हवा। खूबसूरत डोडा बेटा पीक, तो ये है गाइस, इन्होंने एक सबसे हाईएस्ट पॉइंट बना दिया ताकि टूरिस्ट आके सबसे ऊंचाई से पूरे ऊटी को वो कर सके। ये है हाइट, देखिए गाइस यहाँ से पूरा ऊटी दिखता है पीछे। तो गाइस अभी मैं चढ़ रहा हूँ ये जो टेलीस्कोप है इसको देखने के लिए, काफ़ी भीड़ हो रही है। वैसे तो मेरा कोई खास इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि मैं इतने ऊंचे पॉइंट पर आने के बाद में अब टेलीस्कोप में से क्या ऊंचाई थी, बट ठीक है यहाँ से बहुत ब्यूटीफुल व्यू दिखता है। तो मैं इसकी ऊंचाई, ये जो स्टेयर्स हैं इन पर चढ़ के यूँ ऊपर जाती है।
ये टेरेस, उसमें भीड़ लगी रहती है, बट ठीक है, यहाँ से जो पॉइंट है वो ज़्यादा बेटर है। तो ये है गाइस, यहाँ से जो व्यू वैसे ही खूबसूरत दिख रहा है, अब आप देख सकते हो। ये पूरा पैरानोमिक व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो गाइस ये है हाईएस्ट पीक ऑफ ऊटी, और आप देख सकते हो इस पॉइंट पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ से सबसे हाईएस्ट है ये मान सकते हो, बस इससे ज़्यादा ऊंचाई ऊटी की है नहीं। तो ये हाईएस्ट पीक है गाइस, और आप देख सकते हो पीछे मेरे व्यू, कितना शानदार व्यू है, मतलब ऐसा लग रहा है मैं किसी और ही वर्ल्ड में हूँ। वो पहाड़, वो जो बादल हैं वो भी नीचे दिख रहे हैं, वो देखो गाइस, वो जो क्लाउड्स हैं ना वो भी नीचे हैं, यानी क्लाउड्स भी इसकी हाइट से नीचे ही हैं, तो वहाँ पे जो वाइट क्लाउड्स दिख रहे हैं वो भी इसके हाइट से नीचे दिख रहे हैं यहाँ से। तो आप समझ सकते हो कि कितना ऊँचाई पर है, और यहाँ से व्यू बहुत ही सुंदर दिख रहा है, और ऊपर टेलीस्कोप्स लगे हुए हैं, अगर आप चाहते हो तो मैं आपको भी टेलीस्कोप्स क्या हो ऐसे कर मेरे को भी लगा सॉरी थैंक यू। सो ये व्यू आप देख के पीछे देखिए सर गाइस, ये जो बादल है ना ये इधर की तरफ ही आ रहे हैं वाइट तो, और यहाँ से जो व्यू है मेरे पीछे का आप व्यू देख सकते हो, पूरा आप देख सकते हो ये, और आज क्लाउड्स, मतलब ऊपर से क्लाउड्स दिख रहे हैं, नीचे तो इतने दिख भी नहीं रहे थे, तो आप देख सकते हो। और इस हाइट पर मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है, क्योंकि ये नीचे देखो ना, मैं ये यहाँ पे स्टेयर्स से चढ़ के आया हुआ हूँ, तो ये पॉइंट है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ये पॉइंट है, तो यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ से, ये ना, बट एनीवेज मैं इस पॉइंट से आपको दिखा रहा हूँ खड़ा होके, क्योंकि ये एक पॉइंट है जहाँ से सबसे बेस्ट व्यू आ सकता है। तो अभी सही है, अभी सही है ना, पूरा कवर हो रहा है, हाँ यहाँ तक पहले, पहले वो कट रहा था क्योंकि ये मुड़ावर है, मैं फ्रंट में था ना तो उसको घुसाव मेरे को ध्यान नहीं था। थैंक यू। आप यू आर फ्रॉम गुलबर्ग? हाँ कलबुर्गी। ओके, सो हाउ डू यू फाइंड इट? कनाडा, सॉरी, बट कैसा लगा? अच्छा है, देखने का जगह है, वंडर, फैमिली वालों को लेकर आया, फैमिली वालों के लिए अच्छा है, सो तो गाइस ये आपका नाम रमेश, तो ये रमेश थे, ये भी यहाँ घूमने आए थे, एंड ही इज आल्सो एक्सपीरियंस ब्यूटीफुल व्यू। सो आप देखो लोगों का जो यहाँ पे आते हैं उनके, और यस आई एम, यू कैन चेक मी ऑन धीरज कुमावत व्लॉग्स एट द रेट धीरज कुमावत व्लॉग्स DHEERJ। तो गाइस अब ये पॉइंट तो हो गया है कवर, और अब मैं इसके बाद में जाने वाला DHEERJ कुमावत KUMAWT। सो गाइस
गाइस अभी मैंने चाय अभी मैंने थोड़ा चाय वाय चाय नाश्ता किया था यहाँ पे, और अब मैं यहाँ से जाने वाला हूँ क्योंकि काफ़ी डिस्कवर कर लिया। बहुत देर से मैं यहाँ पे हूँ, और अभी जो जीप वाला हमें लेके आया था वही जिप्सी वाला हमको वापस लेके जाएगा। तो उसने कहा था कि आप टाइम से आ जाना ताकि मैं आपको पिक कर लूँगा। तो ये वो कॉर्नर है जिससे मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत खाने पीने का बैठने का ये सब है अरेंजमेंट गाइस, वो दिखा देता हूँ। मतलब डोडा बेटा के ऊपर भी आप ऊपर आ जाओगे जब ये टेलीस्कोप वाला पॉइंट है, और यहाँ पे कुछ खाने पीने का लोग मार्ग थोड़ा रहता है। आपको चाय नाश्ता नूडल्स फ्राइड राइस वगैरह मतलब प्रॉपर खाना भी है, आप लंच करना चाहो तो लंच भी है। मैंने तो अभी चाय और यहाँ के जो ये प्रसिद्ध मिर्ची पकौड़े हैं ये खाए थे, ये मैं आपको दिखाता हूँ। मिर्ची तो मेरे से नहीं खाई गई, और अभी मैंने ये चाउमीन मंगाया है तो चाउमीन खाऊंगा, और वो उसके बाद फिर मैं जाऊंगा गाइस। उसके बाद मेरा प्लान है टी गार्डन जाने का, जो कि इससे इसी के अंदर पड़ता है डोडा बेटा में ही, लेकिन नीचे है। तो ये हाईएस्ट पीक था, अभी हम ऊपर आए, अब मैं नीचे जाऊंगा। और जिस जो इसका डोडा बेटा इसका थोड़ा नाम ऐसा है, सॉरी मेरे को बार बार नहीं आ रहा, डोडा बेटा जो है इसका जो बस स्टॉप है ना वहाँ से 1 किलोमीटर है वॉकिंग डिस्टेंस, या फिर 800 मीटर ही है। तो मैं वो टी गार्डन नीचे उतरते ही फिर उसके बाद जाऊँगा। तो ऐसा हो सकता है इवनिंग में उसको कवर, मतलब अभी तो 3 बज रहे हैं लगभग, तो 3:30-4 बजे तक मैं टी गार्डन में हूँगा, तो फिर मैं आपको बताऊँगा। तो अभी मैं आपको थोड़ा बहुत इसी का नज़ारा दिखा देता हूँ कैसा है इधर। ये साइड मैंने थोड़ा सा अनकवर नहीं किया था, तो ये इधर मैं बैठने के थे तो मैंने इस जगह पर है भी नहीं, टू बी वेरी फ्रेंक यहाँ पे कुछ नहीं बहुत ये है कि यहाँ के लोग यहाँ पे ना लोग फैमिली के साथ बच्चों के साथ आओगे तो आपको बहुत अच्छा जो मैंने आपको व्यू दिखाया उसका तो कोई मतलब पूरे इंडिया के अंदर उसके जैसा कोई व्यू नहीं होगा। मैं सच बता रहा हूँ, वो इतनी ऊंचाई पे जो क्लाउड्स आते हुए दिखते हैं ना, और इतनी ठंडी हवा चलती है। मैं आपको बता दूं गाइस, यहाँ पे बहुत सी फिल्मों की शूटिंग होती है। अगर हम कई हमारी पुरानी 90s की मूवीज़ देखेंगे ना तो उनका शूट वगैरह यहीं से होता है। तो आप देख सकते हो, एक यहाँ से भी रास्ता जाता है, पर वो फॉरेस्ट, ये पूरा फॉरेस्ट का एरिया है, तो इसके अंदर ये अलग अलग वो है। यहाँ पे एक यहाँ की जो टी है ना ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, तो ब्लैक टी, ग्रीन टी, वाइट टी, ऑर्गेनिक टी और टी बैग, तो फ्लेवर टी भी मिलती है। तो कितने सारे तरीके की, 5 तरीके की तो टी भी है गाइस। और तमिलनाडु ये जो है ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पड़ता है, तमिलनाडु टी प्लांटेशन कॉरपोरेशन भी है। तो देखो अब ये हैं सब टीज के, कितने फ्लेवर की टी है यहाँ की, ग्रीन टी अवेलेबल, हॉट टी अवेलेबल। How much for the tea? Not drinking that. 1 kg? Okay. Yeah, milk tea, milk wali. This is premium? 4 to 5 cup of it's more stronger. Medium stronger. 1/2 kg packet, this is 1 kg. How much for this? 250. Okay. And this one? 150. Iska is 1/2 kg hai? So, this one is like mostly we are having the on these three stalls. That is this one is premium, and this one is normally we are. Okay. That's a good taste for. Okay. So guys, अभी हम वेट कर रहे हैं हमारी जीप वाले का, तो वो अभी थोड़ी देर में आने वाला है, और बोल के गया वेट करो। हमारे साथ जो थे वो भी 2 जने तो आ चुके हैं, 3-4 जने वेट कर लें,
वो जब आ जाएंगे तो हम सबको वो नीचे ले जाएगा। सो अभी मुझे कुछ बादल वगैरह हुए थे तो वो नज़ारा अच्छा लग रहा था, मैं आपको दिखा रहा था इस समय। मे भी कभी बारिश भी हो जाए एकदम से, यू नेवर नो। तो हम वेट ही कर रहे थे यहाँ पे स्टॉप पे जहाँ से हमको पिक करेगा, लेकिन यहाँ पे तो गाइस यहीं पर मेरी डोडा बेटा की जर्नी एंड होती है और अब मैं निकलूंगा आगे कुछ नई डेस्टिनेशंस को डिस्कवर करने। सो गाइस बने रहिए, और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब।